नमस्कार मित्रों, मानसिंह भड़का से आपको एक कहानी छोटी सी परमार रासों की सुनाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, सुनाइए दादा। परमार चंगेरी के राजा चंगेरी के रहने वाले थे। राजा जयचंद के यहाँ सूबेदारी पोस्ट पर तैनात थे, नायक थे। होनहार के बाद उनके एक बीमारी लग गई। बीमारी लगने से परिवार ने बड़ा उनका इलाज किया, जयचंद ने उनका बड़ा इलाज किया। इलाज काफ़ी होने के बाद मर्ज नहीं गई, तुमको पेंशन कर दी। अब ये पेंशन गई कि उनके कोई घर मड़ैया नहीं थी। अब ये आवारा घूमते थे, घूमते घूमते ये उरही सीमा में पहुंचे। दर्द से व्याकुल होके एक ठंडी जगह थी, महुआ का पेड़ था, खेत पास में लगा था। वहाँ पर बिछा के दर्द मारे व्याकुल थे। उरही के राजा भूपत थे, उनके चार कन्या थे। उनका नाम था सूर्जा, सूर्जा जम्भई मालवार के राजा जम्भई को ब्याही थी। तिलका जयचंद कन्नौज के राजा जयचंद को ब्याही थी। अगमा पृथ्वीराज दिल्ली के राजा चौहान को ब्याही। मरना सबसे छोटी थी, उनकी शादी नहीं हुई। भूपत ने पूछा, बिटिया बेटी किसके भाग्य से खाती है? तब सबने उत्तर, तीनों बेटियों ने उत्तर दिया, पिताजी हम अपने भाग्य से, आपके भाग्य से खाती। अच्छे अच्छे घरों में शादी हुई। छोटी से बेटी से पूछा, जिनका नाम मरना था, मरना के पिताजी हम अपने भाग्य से खाते। राजा नाराज हो गए। राजा जोगी यज्ञ जल इनकी उल्टी रीत। राजा नाराज हो जाए तो आपकी जान ले सकता है, राजा खुश हो जाए आपको धन दे सकता है। राजा नाराज होने के कारण उन्हें कहा, बेटी तुम्हारा हम भाग्य देखेंगे। उन्होंने तुरंत नाई पंडित को बुलाकर और कहा, इसके लिए अपंग खबर जो कुछ कर ना सके। नाई पंडित जाए उस जंगल में रास्ता पर जा रहे थे, तब तक परमार चिल्लाते हुए मिले। उन्होंने नाऊ पंडित से सलाह की, इससे बढ़िया कोई बर नहीं है। उन्होंने तुरंत राजा को बुलवाकर उनकी उन्हें कहा, ठीक है महाराज, उन्हें कहा बहुत बढ़िया, उन्हें उन शादी परिमाल के संग में कर दी और आगे बढ़े। बोलियो। अच्छा, जब शादी हो गई और कहा, बेटी अपने भाग्य को खाओ, देखो मेरे यहाँ कभी ना आना। तब उन्हें कहा, ठीक है, भगवान की दया, ईश्वर की कृपा से जब परिमाल का समय बदलने वाला था, तो उसी भाग जो खेरा है उसमें एक सर्फ रहता, और उन्हीं के पेट में एक सर्फ था। भाग वाले खेरे वाले साहब ने कहा कि अरे भाई, राज का समय था। उसने कहा, अरे भाई इनको क्यों सताते? तब उसने कहा कि सताते क्या, कोई अपना घर छोड़ देता है? उन्हें कोई सुनता हो थोड़ा एक दो किलो मट्ठा और थोड़ा टूटिया डाल के पियाएंगे तो इन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें ठीक है, तुमने मेरी मृत्यु तो बता दी, तुम सात बादशाहों की रकम लिए बैठे,
और कोई सुनता हो गरम तेल ले आए कि आदि भाप बामी में डाल दे तो आप जल के भस्म हो जाए, रकम खोज ले। मरना पशु भाषा जानती थी, वे अपने मैके गई तो पिताजी के द्वार नहीं गई, ग्वालों के यहाँ गई और ग्वालों से मीठी बोली बोली, भैया हमको मठा दे चाहिए। अरे तब ग्वालों ने जवाब दिया कि अरे तुम राजा की बेटी हो, हमारी गांव और हमारे गांव की पुत्री हो, क्या हमारी बदला, अरे दूध की कहो। अरे उन्होंने नहीं भैया हमको मठा चाहिए। तब वे मठा दे के आई, जरा तूतिया लाई और उनको पिलाया, वो गल गल के खत्म हो गए, परिवार सही हो गए। बताओ और बढ़ावे परिवार सही भी गए आगे राजा। हाँ अब उन्होंने कहा ठीक है पति तो सही हो गए, अब इस रकम की तब्बे कहाँ गई। बढ़ई लोगों लोहार लोगों के यहाँ, उनसे कहा कि भैया हमें एक कढ़ा चाहिए। और कढ़ा उन्होंने कि बहन हम पहुंचा देंगे, उन्हें कोई पैसा मांगने की तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि राजा की लड़की नहीं बेटी है। और जब बनिया के यहाँ गए तो भैया हमको जो तीन कड़वा तेल चाहिए, उन्हें बहन दे हम पढ़वा देंगे। उनको सब पहुंच गई, दोनों जने दोनों आदमी ने भट्टी तैयार की, ईंधन इकट्ठा के झुकाई की, झुकाई करने के बाद वो गर्म हुआ तो भाख में डाला और सांप ऊपर जैसे ही निकला तो उसने पार्श मणि उगिल दी। वो मलना ने अपनी जेब में रखी और सांप को फेंक दिया। फिर सोचा कि यहाँ कुछ तैयारी कर महल बनवाएं, लेकिन पिताजी ने नाम तो की नहीं। तब उन्होंने कहा अब चलो, अब दैजा अपने पिता से दहेज मांगे। तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान उनका किया और मलना और परमाल ने कहा भाई अब हमको शादी का दहेज दें। तब उन्होंने अपने मुँह से कहा बेटी मांगो। जो उसके आसे पासे 2-4 हजार बीघा थी कि ये हमको बैनामा कर दें, उन्हें तुरंत उसको बैनामा कर दिया। और बैनामा करने के बाद जब उनकी खुद की जमीन हो गई तो खुदाई की कि खोदने पर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ महल बनवाया जाए। तो महल की नींव डाली और जब महल की नींव की तैयारी भई तब वो मणिदेव मणिवाला साहब देवता रूप में उसको दर्शन दिए कि पहले मठ मेरी मनवाओ बाद में किला तैयार करो। इतनी रखें। नमस्कार मित्रों, आपने पूरी कहानी सुनी कि एक नायक से आदमी कितना बड़ा हो सकता है भाग्य के बल पे। तो मित्रों ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।